हेलो दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा एनवायरनमेंट के बारे में। मैं आपको ऐसे ही समझाऊंगा कि आपकी समझ में आ जाए। अगर आप चार लोगों में खड़े हो तो वहाँ आप बता सको कि एनवायरनमेंट क्या होता है, उनको कन्वेंस कर पाओ कि हाँ आपने सही बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं। एनवायरनमेंट हर एक चीज़ एवरीथिंग जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को सराउंड कर रही है, वो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट कर रही है और लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके हिसाब से फंक्शन कर रहा है, अपने सराउंडिंग के हिसाब से फंक्शन कर रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी पूरी लाइफ ड्यूरेशन में। अब इसका एग्जांपल मैं अपने आप को मान के चलता हूँ। मेरे सराउंडिंग में क्या क्या चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हैं वो मेरा एनवायरनमेंट है, ये मुझे अफेक्ट करेंगी और मुझे इनके हिसाब से फंक्शन करना पड़ेगा। जैसे अभी सन है, सूरज की धूप बहुत तेज़ है, ये मुझे अफेक्ट कर रही है। अब मैं इसके हिसाब से फंक्शन करूँगा अपनी आँखों को शेड करके, ठीक है? तो ये मेरा एनवायरनमेंट है। आई होप कि समझ में आया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनवायरनमेंट को दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, पहला बायोटिक, दूसरा एबायोटिक। अब ये क्या है बायोटिक एबायोटिक? सिंपल है, बायोटिक मींस लिविंग थिंग्स जैसे ह्यूमन, प्लांट्स, एनिमल। एबायोटिक मींस नॉन लिविंग थिंग्स, जो भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं जैसे एयर, वाटर, लाइट। एनवायरनमेंट को अपने को दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, ठीक है, लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग बींग्स के हिसाब से। अब हम बात करेंगे कि एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एनवायरनमेंट किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। हम कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट इन चार कंपोनेंट्स से मिलकर बना है, पहला एटमॉस्फेयर, दूसरा हाइड्रोस्फेयर, तीसरा लिथोस्फेयर। चौथा इसका कंपोनेंट नहीं है लेकिन हम इसे कंपोनेंट में ही गिनते हैं, उसे बोलते हैं हम बायोस्फेयर। ये मैं आगे बताऊंगा क्यों इसे हम कंपोनेंट में गिनते हैं, पर यह है नहीं, कंपोनेंट में बेसिकली आता नहीं है। पहला एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर क्या होता है, जो अपनी ज़मीन होती है, ज़मीन से ऊपर जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे कि हवा, अपना वातावरण, ये हमें जो सराउंड कर रही है हमारी हवा, ठीक है, हम देख नहीं सकते, ठीक है, ये हमारा एटमॉस्फेयर कहलाएगा। अब एटमॉस्फेयर को और इसमें अच्छे से बात करें कि मिक्सचर ऑफ गैसेस होती हैं, इसमें कई तरह की गैसेज होती हैं, ये अपना एटमॉस्फेयर है जो हमारे लिए ज़रूरी है। दूसरा हाइड्रोस्फेयर, नाम से आपको पता लग गया होगा, हाइड्रो पानी। हाइड्रोस्फेयर में हम सिर्फ पानी की बात करते हैं, हाइड्रोस्फेयर में हम एक साइकिल की बात करते हैं, वाटर साइकिल। इससे आपको सही से समझ में आ जाएगा क्या होता है कि ओशियन है, ठीक है, यहाँ से पानी इवेपोरेट होकर आसमान में जाएगा, जहाँ पे बादल क्रिएट होंगे, बादलों में पानी जमा हो जाएगा, वहाँ पे पानी इकट्ठा हो गया बादलों में, वो सरफेस की तरफ आएगा, हमारे अर्थ सरफेस की तरफ। वहाँ पे आने के बाद वो बारिश की फॉर्म में सरफेस पर नीचे गिरेगा, फिर सरफेस पर नीचे गिरने के बाद वो कुछ पानी सीधे ही ग्राउंड में चला जाएगा, कुछ रन ऑफ वाटर होगा, सरफेस रन ऑफ वाटर बोलेंगे हम उसे, कुछ नदियों में जाएगा, कुछ फिर से ओशन में चला जाएगा। तीसरा लिथोस्फेयर, इसमें हम अपने अर्थ सरफेस की बात करते हैं, मिट्टी की बात करते हैं। लिथोस्फेयर दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, अर्थ क्रस्ट, जो हमें ज़मीन दिख रही है ये अर्थ क्रस्ट है अपना, ठीक है, मिट्टी दिख रही है ये अपना अर्थ क्रस्ट है, और इससे कुछ नीचे जाने के बाद एक अपर मेंटल आता है, अर्थ का ही पार्ट है वो भी। ये दोनों चीज़ मिल के लिथोस्फेयर बनाते हैं। करेंगे चौथे नंबर की बायोस्फेयर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और ये एक तरह से हम इसे कंपोनेंट नहीं बोलेंगे क्योंकि हम अभी तक जो बात कर चुके हैं, हम एटमॉस्फेयर हवा की बात कर चुके हैं, पानी की बात कर चुके हैं और अपनी ज़मीन की बात कर चुके हैं। तो अब बायोस्फेयर क्या होता है, इन तीनों का जो मैंने अभी बताया आपको, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फेयर, इन तीनों का कॉम्बिनेशन, इन तीनों के इंट्रैक्शन से एक स्फेयर बनता है जिसे हम बोलते हैं बायोस्फेयर। इसमें आपका पानी भी आएगा, इसमें आपकी एयर भी आएगी, इसमें आपकी ज़मीन भी आएगी, ये तीनों चीज़ें मिलकर बायोस्फेयर क्रिएट करते हैं। ऑर्गेनिज्म के लिए सबसे डिज़ायरेबल जगह जो होती है वो बायोस्फेयर है। बस दोस्तों, एनवायरनमेंट के बारे में यही सब है जो मैंने आपको बताया। आई होप कि आपको इस वीडियो समझ में आया हो कि एनवायरनमेंट क्या है। थैंक यू, अगली वीडियो में मिलते हैं।